अब ये आ रहा है कि ये डिसीजन जो था हिस्ट्री डिसीजन था, ये इनको कम से कम जून के महीना रुक के 12 जुलाई के डिसीजन में जाके देखना चाहिए था। हो सकता है 0.1% इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब कुछ नहीं होता, हो सकता है अभी सेटल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है ये डरा के इसको ठीक करना चाहते हैं लोगों को कि खर्चा बंद कर दो नहीं तो तुम्हारे जेब से पैसे सारे निकाल लेंगे। खर्चा करना बंद कर कुछ मैसेज मुझे भी आए थे, कहते ओवरऑल जो आम इंसान है उसको तो बहुत फर्क पड़ा, उनकी $2,000 $3,000 मॉर्गेज बढ़ गई महीने की। सर खाने के लिए रोटी के लिए पैसे नहीं बच रहे लोगों के पास, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी हिम्मत से ज्यादा बड़े बड़े मकान ले लिए दिखावे के चक्कर में, ठीक है ना, तो उनके लिए बड़ी भारी परेशानी है। मैं अभी पीछे कैलकुलेट कर रहा था, जब मैं अभी जेरूसलम जब मैं बैठा हुआ था तो वहाँ पर टाइम जब मिलता था तो मैं कुछ कैलकुलेशन करता था बैठ के, मैं निकाल रहा था एक फैमिली को 1,65,000 मिनिमम इनकम चाहिए 20% डाउन के बाद एक कांडो खरीदने के लिए टोरंटो में, 1,65,000 नॉट कांडो, और 2,36,000 इनकम चाहिए एक छोटा सा सिंगल फैमिली होम खरीदने के लिए। ये तो यानी कि अगर डाउन पेमेंट भी अगर जोड़ा शुरू करे 10% अपनी इनकम का तो सर उसको 25 साल लगते हैं 20% इकट्ठा करने में। ये तो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के पहले, जो आज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया और तो ये फिगर और बदल गई, मेरी मेहनत बेकार चलेगी, मैंने इतने घंटे लगाए बैठ के वो मेहनत मेरी बेकार होगी, नए सिरे से कैलकुलेशन मैं करूंगा ही नहीं अब, क्योंकि पता ही नहीं है कि उम्मीद जुलाई की तो नहीं है पर सितंबर में फिर उम्मीद हो जाएगी, अगर ये इन्फ्लेशन नीचे ना आया हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन ना हुई तो ये सितंबर में फिर रेट बढ़ा देंगे, मतलब दुखी कर देने वाली बात हुई बढ़िया किस्म से। लोगों को समझ नहीं आ रही कि अभी जिनकी रिन्यूअल आ रही है वो फिक्स करें कि वेरिएबल करें, बढ़ेगी कम। अच्छा वैसे आपका तजर्बा क्या कहता है, कम होने के चांसेस है इंटरेस्ट? देखो जिन्होंने 3 ईयर फिक्स्ड आज से सिर्फ 15-20 दिन पहले लिया था उनको 0.8% का फायदा हो गया, लोगों ने 3 ईयर फिक्स्ड 4.7-4.6 में लिया था, 2-3 दिन पहले बैंकों ने बढ़ा के 5.7-5.8 कर दिया। तो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ 3 ईयर फिक्स का, बाकी जिसे कहते हैं ये चीज ये बता रही है कि बैंक भी ये मान रहे हैं कि देखो स्कॉशिया बैंक ने कितना बोल्ड स्टेटमेंट दी है स्कॉशिया बैंक ने, हालांकि बैंक इतना बोल्ड स्टेटमेंट नहीं दिया करते, वो ये कह रहे हैं बैंक ऑफ कनाडा नीड्स हायर रेट टू स्टेबलाइज रियल एस्टेट एंड टारगेट इन्फ्लेशन, मतलब स्कॉशिया बैंक ये कह रहा है कि बैंक को अब और इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना चाहिए रियल एस्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए और बढ़ाना चाहिए, यानी कि आदमी बैंकरप्सियां कर ले कोई और तरीके इनका नजर नहीं आ रहे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के, और ये बैंक खुद अपने मुंह से कह रहा है बढ़ा दो। तो अब या तो लोग नहीं बाज आ रहे क्योंकि देखो स्पेंडिंग रुकी नहीं रही लोगों की, जब एक तरफ से रणबीर जी आप और मैं कह रहे हैं कि 2-2.5 हजार लोगों की मॉर्गेज बढ़ गई दी नहीं जा रही तो फिर खर्चा कहाँ से हो रहा है, ये कंज्यूमरिज्म कैसे काबू नहीं आ रहा है इतनी जबरदस्त फिर भी एक्सपेंसिव लोगों। भाई सीधी इंडिकेशन है बैंक ऑफ कनाडा की कि अपने खर्चे रोक दो, फजूल की खर्चियां रोक दो, वो फजूल की खर्चियां रुकी नहीं रही। अभी भी देखो हमारे घर के पास इधर वो आउटलेट मॉल है यहाँ पर आपने देखा होगा ट्रफलगर के पास, आप भी जाते होंगे कभी कभी वहाँ पर स्टील्स और है ना रणबीर जी, जी जी वहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिलती, मतलब 401 के ऊपर भी लाइन लग जाती है 2 किलोमीटर की, वहाँ पर लोग इतनी शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। एक तरह से तंगी है दूसरी तरह से शॉपिंग है, उनको ये इंडिकेशन डायरेक्ट दे रहा है बैंक कि भी खर्चे रोक दो। अब देखो ना इकोनॉमी ग्रो होगी 3.1%, एक्सपेक्ट कर रहा था बैंक ऑफ कनाडा 2.5%, वन क्वार्टर के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर बढ़ गई 3.1, तो अब बैंक ऑफ कनाडा क्या करे मुझे बताओ आप, ये प्रॉब्लम्स हैं कुछ। ऊपर से देखो ना इतना महंगा लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मैंने अभी आपको बताया 165,000 चाहिए फैमिली इनकम कॉन्डो के लिए, 236 चाहिए घर के लिए, उसके बावजूद भी मल्टीपल ऑफर 10 ऑफर 15 ऑफर 20 ऑफर को मजाक है यार, कहाँ से आ रहा है, नकली कागज बन रहे हैं क्या हो रहा है हमें नहीं समझ आ रही। चलो कुछ कॉल भी लेते हैं साहब आपकी इजाजत हो तो, और विल टेक लाइन 1 प्लीज। हेलो हेलो सरवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सो आप जो भी कैलकुलेशन बता रहे हो इस हिसाब से लगता है ब्रैम्पटन में लोगों की इनकम तो बहुत ज्यादा हाई है जी। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हमारे रेगुलर लिसनर हो, आपकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं। या आपका मतलब समझ गया, या तो इनकम अच्छी है या इनकम बनाई जा रही है। हाँ, नहीं, बहुत ज्यादा कमाई है ना उन लोगों की ना बड़े। जी सर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नॉट ओनली ब्रैम्पटन सर, मिस आगा आज पूरे मैं तो पूरे जीटीए की बात है, पूरे कनाडा की बात कर रहा हूँ सर। जहाँ यहाँ पे 1,03,000 अगर जनवरी से लेके अब तक मकान की कीमत बढ़ गई, बताइए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5 महीने के अंदर 1,03,000 कीमत बढ़ जाना नेशनल लेवल के ऊपर, ये अपने आप में कमाल नहीं है क्या? इतना महंगा इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद एवरेज 1,03,000 जो है कीमत बढ़ गई फ्रॉम जनवरी, आप बताइए। तो इससे क्या विकी साहब आपको क्या इंडिकेशन मिलता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के लोग की परवाह नहीं कर रहे कि यहाँ वाकई डिमांड बहुत ज्यादा है? सर यही बात जो दूसरी वाली कही आपने, डिमांड इतनी है एक अनार 100 बीमार,
बस एक घर है लेने वाले 20 है। तो अब इन्वेस्टर भी नहीं रुक रहा, इन्वेस्टर इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि रेंट की आग लगी हुई है। मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अभी मेरा एक टेनेंट निकला, वन बेडरूम एंड मीडिया डाउनटाउन के अंदर, 2150 किराया था। वो किराया ज्यादा नहीं था क्योंकि वो बैठा होता तो हम LTV के हिसाब से रेंट बढ़ा सकते हैं। निकलने के बाद मेरी एक आदत है, 5 साल से ज्यादा पुराना मेरा कांडो हो जाता है और जब टैलेंट निकलता है तो मैं ऑटोमेटिकली इसको बेच देता हूँ कि भाई अब मैंने नया टैलेंट लेना, क्योंकि मेरा टारगेट होता है 7 साल से पहले पहले मैंने बेच देना। तो मैंने अपने असिस्टेंट को बोला इसको बेच दो। उससे पहले वो जो टैलेंट ने कहीं बाहर जाना था उसने N9 दिया, वो मुझे खुद ही कहता जी मेरा ब्रदर है वो आ जाएगा वो ले ले। मैं कहा जी नहीं, कहता जी 2500 भी दे देगा आपको। ये देखिए आप बात, 2150 से 2500 भी दे देगा। बात पर अब वो क्या, मतलब अब इन्वेस्टर लालच में आ जाता है कि यार अच्छा 2500 तो मेरे को सूट करता है क्योंकि मैंने तो कांडा बड़ा सस्ता लिया था 3.5 लाख का सिर्फ, आज चाहे वो 7 लाख का हो गया। तो ये बातें जो है ना, ये ऐसा विशेष सर्कल बना हुआ है, साइकिल बना हुआ है जो कि ना जीने नहीं देता किसी तरफ भी। नेक्स्ट कॉल। हेलो, हाँ जी, बताइए। जी सर, आप ठीक है? आपकी आवाज को तरफ गए थे भाई, अच्छा हुआ आप आ गए वापस। अरे अरे सर, मैं तो सिर्फ सर 8 दिन के लिए गया था और जरा देखने गया था कि इस कंट्री, ये भी कंट्री रहेगी थी मेरे से देखनी, बड़ा डिफरेंट कंट्री थी, बड़ा अच्छा लगा। जेरूसलम तल अवीव दुनिया का सबसे पुराना शहर है वो सर, वो जो जेरूसलम के जरा अंदर गए रैली के अंदर बना हुआ जो उनके घर पुराने 3000 साल पुराने, वो अपने आप में नायाब चीज है अलग। जी जनाब बिल्कुल, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मेरा भी लेना देना नहीं है, मैं तो एज ए टूरिस्ट गया था और थोड़ा सा मेरा बिजनेस भी था बिल्डर के साथ। बिल्कुल ठीक है। अभी बात यह है जनाब कि ये जो है ये कोई पूछता नहीं है इस गवर्नमेंट से या इन मेंबर असेंबलियों से कि ये जो अजाब आ गया है लोगों पे, ये इसमें कसूर किसका था ये तो निकालो ना, ये किसने ये मुसीबत ले आए कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, इसका कोई सवाल करे ना जस्टिन ट्रूडो से करे और लोगों से करे कि भाई ये आपने ये जो मामला क्यों ऐसा हो गया है। सरकारी फेल है, सरकारी फेल है। आप हॉस्पिटल चले जाओ 8-8 घंटे छोटा सा जख्म, मेरी ग्रैंड डॉटर को थोड़ा सा कुछ माथे में लगा वो डर के हॉस्पिटल ले गए, वहां पर सिर्फ एक टांका छोटा सा लगना था, 7 घंटे बैठे बॉस, 7 घंटे एक छोटे से टांके के लिए, और उसके बाद उन्होंने टांका भी नहीं लगाया, एक छोटी सी एक वो होती है टेप होती है छोटी सी वो लगा देते हैं छोटे बच्चों को ताकि उनको टांका ना लगे, बस वो लगा के घर भेज दिया। वो 5 मिनट का काम नहीं था, 7 घंटे बैठे। आप लगा लो, ये तो आपका मेडिकल का है, गवर्नमेंट का है। और कनाडा मेरे ख्याल में अब वो जगह नहीं है जहाँ रहा जा सके, रहा रियल इस्टेट का तो लोगों को चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करे, 6-8% उनको मिल जाएगा, वही पैसे से अपना रेंट दे और अपनी खुशबाज जिंदगी गुजारे। कहते हैं कि बेवकूफ लोग घर बनाते हैं और अकलमंद लोग उसमें किराए पे रहते हैं, क्या कहते हैं आप? नहीं, ये अपनी अपनी सोच है सर, ये अपनी अपनी सोच है, बाकी दोनों ही ठीक हो सकते हैं, मैं तो कहता हूँ ऐसी बात नहीं है। बाकी इसके बारे में कमेंट्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो घर लेता हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को बेवकूफ नहीं कहना चाहता, तो इसीलिए जो है दोनों ही मेरे हिसाब से ठीक है जो रेंट में रहना उनका, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे कुछ नहीं। जी जी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर घर बनाता है मैं हमेशा कहता हूँ, और जिसे कहते हैं अगर घर नहीं बना तो आपके ऐसे बाइंग पावर चली जाती है। बात करता हूँ, आप देख लो ना क्या था, ज्यादा लंबी बात हो ना, 5 साल पुरानी बात है, जहाँ पर मेरे को किराया 1350 आ रहा था, आज 2500 आ रहा है। जो आदमी 1350 दे रहा था वो 2500-2600 किराया दे रहा है, वो बेचारा कहाँ से दे रहा है, वो उसको बेचारा कहूंगा। लेकिन मैं अपने आप को बेचारा इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरी अगर कीमत मकान की बढ़ गई तो मेरा किराया भी तो बढ़ गया साथ में, तो इसीलिए ये अपनी अपना नजरिया है सोचने का सर। बाकी तो मैं बात सरकार की कर रहा था फेल्योर की। अब हॉस्पिटल देख लो, कम्यूटिंग देख लो, 401 फंसा हुआ है, जाना आने का रास्ता ही नहीं है लोगों के पास, सड़कें पुरानी हो चुकी है, कम्यूटिंग का सिस्टम ही नहीं है, जिसे कहते हैं बाहर शहर डेवलप नहीं हो रहे क्योंकि कम्यूटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इमिग्रेशन में 4-5 लाख लोग आ रहे हैं, उनको जॉब यहाँ पर नहीं है, मैं तो टोटल फेलियर कहूंगा इस बात को। जी ओके जी। और बिकॉज एक मैसेज भी आया कि वन असाइनमेंट सेल इज अवेलेबल इन नॉटिंग हिल 375 स्क्वायर फुट फॉर 475 इंक्लूडिंग 77,000 डाउन पेमेंट, प्लीज आस्क हाउ इज द प्रोजेक्ट एंड प्राइस फ्लोर। नहीं, प्रोजेक्ट 475 कितने स्क्वायर फुट कुछ बताया नहीं इन्होंने, 375। ओ स्टूडियो की बात कर रहे हैं, ये स्टूडियो की बात कर रहे हैं। नोटिंग हिल क्या है, 3 है, नोटिंग हिल 2 है, 1 है, ये फ्लोर 21 है, नोटिंग हिल का उन्होंने 375 स्क्वायर फुट और 475 मांग रहे हैं। नहीं, लेकिन नोटिंग हिल 1 है कि 2 है सर?
क्योंकि 4.75 जो है इनको, पहली बात तो मैं उनको बता दूं कि अगर 1 है तो इसकी क्लोजिंग 2025 में है, अगर 2 है तो इसकी क्लोजिंग 2026 में है, और इन दोनों केसेस के अंदर बिल्डर असाइनमेंट पहली बात तो अप्रूव ही नहीं कर रहा, तो ये अप्रूव में ये असाइनमेंट ले कैसे लेंगे मुझे यही नहीं समझ आ रही, क्योंकि बिल्डर तो अभी असाइनमेंट दे ही नहीं रहा। अभी तो 2 साल पड़े हुए हैं अगर 1 है, और 3 साल पड़े हुए हैं, 2.5 साल पड़े हुए हैं अगर ये 2 है, तो पहली बात तो बिल्डर अप्रूव ही कर रहा। दूसरी बात, 375 का मतलब हो गया ये भाई साहब जो है ना इसको $1,150 पर स्क्वायर फीट में देना चाहते हैं, जबकि इन्होंने ये स्टूडियो जब इन्होंने अगर 1 था तो इन्होंने खरीदा था $850 पर स्क्वायर फीट, और अगर नोटिंग हिल 2 था तो इन्होंने खरीदा था $1,200 का 25 में क्लोजिंग है, इन्होंने 850 के हिसाब से लिया था, ये 3 लाख के आसपास का इन्होंने लिया था, और ये 475 में इनसे कोई भी नहीं लेगा, नहीं लेगा ठीक है, सवाल ही नहीं उठता। और दूसरा मैसेज ये है जी, उनकी कहते जी मेरी एज 63 है, इनकम मेरी 1,20,000 है, कैश इन हैंड 2 लाख है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मॉर्गेज बैलेंस जो है 4.5 लाख है, टुडे मार्केट वैल्यू जो है 1.2 मिलियन है, विच इज ऑन रेंट $2,500 रेंट आ रहा है, और डेबिट 0 है, शुड बी इन्वेस्ट 100%। 60 साल उम्र है, इनका 7 साल पड़े हैं भाई साहब पैसा बढ़ाने के लिए, बुढ़ापे के लिए 100%। ये मैंने इनकी सारी कलेक्शन देख ली है, 12.5, 60, 6 और 2.8, ये सर किसी हालत में अगर कैश पड़ी हुई है तो ये 9 लाख तक का बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिए कि 4 साल से पहले की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए इनके पास। मुझे बेशक कॉन्टेक्ट कर ले, मैं इनको गाइड कर दूंगा प्रॉपरली, और गारंटी दे दूंगा कि लॉस नहीं होगा। और बताइए इससे बड़ी बात क्या होगी, 67 तक की उम्र में उससे पहले बेच बैच के अपने बुढ़ापे के लिए पैसे अलग रख लें, सीधी सी बात है। ये हॉर्स रेसिंग नहीं कर रहे, कोई कैसीनो नहीं जा रहे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सॉलिड आदमी है, क्योंकि इनके घर के अंदर मॉर्गेज बहुत कम है, ही सॉलिड। वेरी गुड जी, और नेक्स्ट कॉल पे जाएंगे हम, नेक्स्ट कॉल पे। हेलो हेलो, अच्छा एक सवाल और है कि इफ द इंटरेस्ट रेट, हम बताएं क्या सवाल है, बताएं सर। हाय रमेश जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। Question for PKG, if bank is giving you 5% fixed for 3 years, should I go for the fixed rate or no? आपको 5% फिक्स जो था ये परसों दे रहा था कि अब नहीं दे रहा? आरबीसी, नो आरबीसी ने दिया है। नहीं नहीं दिया है कि ऑफर की है, 12 जून तक है उसकी ऑफर। ओ वेरी गुड, ले लो, क्योंकि उन्होंने बढ़ा दिया अभी, ये उन्होंने 5.4 कर दिया है, मेरे को 5.5 दिया है, 5। हाँ तो ले लो, क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट बढ़ गया ना जी, इन्होंने बढ़ा दिया है, तो इसलिए आप इसको ले लो। और एक क्वेश्चन और मेरा, एक क्वेश्चन और पीके जी आपसे, मैं मॉर्गेज ब्रोकर नहीं हूँ, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको सर। नो नो, अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन और है मेरा, एक क्वेश्चन और है कि ये मैंने डंडा स्क्वायर गार्डन लिया था 3.5 लाख में, उसकी 7 के 7.7 कुछ है, 20 में क्लोजिंग की थी। हाँ नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, 3.5 की 7 छोड़िए, आपने ये 3.5 का जो लिया था ये 1 बेडरूम लिया था? नहीं, 1 बेडरूम 10। पार्किंग फिर नहीं होगी इसके साथ? पार्किंग नहीं थी, हाँ पार्किंग नहीं थी, ठीक है ना। सो ये पार्किंग होती तो 1 बेडरूम था, पार्किंग नहीं होती तो 1 बेडरूम 10 था, ये 7 लाख का नहीं है पहली बात। अच्छा हाँ, ये अगर आपको इसका 6.5 लाख भी मिल जाता है विदाउट पार्किंग, कंसीडर योर सेल्फ लक। अच्छा, तो इसको अभी होल्ड करूँ या इसको रखूँ? रखना चाहिए सर अभी इसको, आपको डंडा स्क्वायर गार्डन को तो अभी आपके हाथ में 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, 3 साल ही हुए, 2020 में हुई थी। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, लगभग 3 साल है, तो 5 साल की हम गेम खेलते हैं, आपका अभी 2 साल है। रेंट आपको कितना आ रहा है? 2400। हाँ, आपका खर्चा आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है इस वक्त? हाँ जी हाँ जी, कैश फ्लो तो पॉजिटिव है। आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा तो आपको फिर भेजने की जरूरत क्या है? नहीं मतलब मैंने कहा उसकी कुछ और इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो वो अलग बात है, बेच के आपके हाथ में पैसा अच्छा आ जाता है, आप 2 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप वो जो है आपको 4 साल की मिनिमम टारगेट रखना है, क्योंकि ये 1-2 साल क्या होने जा रहे हैं इस कंट्री में कुछ पता नहीं। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब होल्ड करूं, राइट? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। आपको होल्ड करेंगे सबसे अच्छा है, लेकिन आपने अगर इन्वेस्ट करना है तो सेकंड ऑप्शन है, तो इसका प्राइस ठीक है मार्केट के अंदर, बट नॉट वेरी गुड, बट इज ओके, गुड प्राइस, यू आर गेटिंग गुड प्रॉफिट, क्योंकि आपने इसके ऊपर जो पैसा लगाया था 70,000 लगाया था, प्लस आपने इसके ऊपर लगभग 30,000 क्लोजिंग कॉस्ट खर्च की थी, तो 1 लाख था, और 1 लाख के ऊपर अगर आपको 3 लाख प्रॉफिट मिल रहा तो सर कम नहीं होता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना सर? ठीक, तो आपकी आवाज भी कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्या मैं आपको जानता हूँ? हाँ, मेरा नाम अंकित है, आपसे मिला हूँ पीके जी। ओ ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, मेरे को आवाज देखो जानी पहचानी लग रही थी, आप बेशक मिल लीजिए, वील प्लान समथिंग। ओके ठीक है, आई विल शेड्यूल अ मीटिंग विद यू, थैंक यू सो मच जी। बी साहब, और कोई प्रोजेक्ट के बारे में कोई बातचीत करना चाहेंगे जाने से पहले, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? मैं बता दूं कि मैं बिल्डर के साथ जो काम इस वक्त कर रहा हूँ, 3 बिल्डरों के साथ, बफर्स पार्क, किपलिंग स्टेशन और रेगलन,
तीनों के पास मेरे पास एक्सेस है। अभी मेरे को किसी ने अमेरिका से कॉल करके दो यूनिट मांगे थे, 999 वाले जो यूनिट जो थे हमारे, जो हमने 6 घंटे के लिए खोला था रेगलन को 27 अप्रैल को इसराइल जाने से पहले, उन्होंने मांगा और मैं बड़ी प्राउडली कहता हूँ कि वो 6 घंटे के लिए खोला था। बिल्डर से स्पेशल रिक्वेस्ट करके उनको मैंने दो यूनिट और लाके दिए 999। मैंने आज सुबह उनको दो यूनिट दिए टॉक शो शुरू होने से पहले, कल मैंने कलेक्ट कर लिए थे। तो मेरा ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक्सेस बिल्डर के डायरेक्ट है, नॉट टू द सेल्स सेंटर, नॉट टू द सेल्स गर्ल्स और सेल्स बॉयज, डायरेक्ट टू द चेयरमैन, डायरेक्ट टू द प्रेसिडेंट। तो अगर किसी को कोई जरूरत है और नहीं मिल रहा मेरे से बात करें, मैं लेके दूंगा। ये तीन प्रोजेक्ट में इस वक्त हम काम कर रहे हैं, बफर्स पार्क, किपलिंग स्टेशन एंड रेगलन। इसके अलावा और भी बहुत प्रोजेक्ट हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं अभी। तो फॉर एनी प्रोजेक्ट यू कैन टॉक टू मी। और इसका टाउन होम्स भी, सेमी डिटैच भी, डिटैच भी, इनके ऊपर हम जगह जगह अलग जगह कहाँ कहाँ का नाम लू मैं। सिर्फ वन विंडो सर्विस है, मेरे से बात करिए 647-299-4757, 647-299-4757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डालिए नाम के साथ और मेरी कॉल आपको विद इन 24 आवर आएगी। आज तो नहीं आप आएगी, कल सुबह आएगी या ब्रेक में मैं कई बार कॉल कर लेता हूँ, तो आपसे हम बैठ के मीटिंग तय करेंगे और बैठेंगे डिस्कस करेंगे। जी रणबीर जी, और कोई क्वेश्चन होता है नहीं तो फिर अलविदा लें। जी बिल्कुल जी, और लास्ट कॉल विल टेक। जी लास्ट कॉल विल टेक। Hello, my question is that from PK. So you told me about the inflation, supply or inventory next year में बढ़ जाएंगी, तो क्या हम deflation की situation में जा रहे हैं? Recession. Okay. मैं ये अगर यही हाल inflation का रहा, not recession, deflation. देखो मेरी बात सुनिए सर, बात बड़ी सीधी सी क्लियर है। आपने डिमांड एंड सप्लाई की बात करी, बात यह है कि इसका सप्लाई मार्केट में है ही नहीं, वही सबसे बड़ा मुद्दा है रेट बढ़ने का। और जो हमारे जो इस पर रेट बढ़ रहे हैं, रियल स्टेट के भी रेट बढ़ रहे हैं, 10 लोग खड़े हुए लेने वाले और बेचने वाला एक है, तो ये जो मर्जी इंटरेस्ट बढ़ाते रहे, डिफ्लेशन वाली बात ही नहीं आ सकती जब तक सप्लाई काबू नहीं आती। सप्लाई ही नहीं है, या तो खरीदने वाले रुक जाएं, और या पर जो कहते हैं इंटरेस्ट बढ़ा दो कि वो ले ही ना सके, ये जो बैंक ऑफ कैनेडा की पॉलिसी है। तो इसमें से कुछ भी कामयाब हो जाए, कुछ भी लागू हो जाए, तो अपने आप ही काबू हो जाएगा। जब आदमी बाज ही नहीं आ रहा तो कहते जी उसकी जेब से पैसे निकाल लो, खर्च ही नहीं करेगा, यही मतलब है इंटरेस्ट बढ़ाने का, और क्या मतलब है। क्लियर बैंक ऑफ कैनेडा ने बात कह दी है कि जेब से पैसे निकालने हमने, कि उसको मॉर्गेज और रोज की रोटी और रेंट, इसके अलावा उसको जेब में कुछ पैसा बचना ही नहीं चाहिए। अपना डिफ्लेशन हो जाएगा और क्या होगा, मुझे बता दीजिए आप। जी रणबीर जी, जी थैंक यू सो मच। पीके साहब नंबर नोट करो 647-299-4757-299-4757। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से पीके साहब? थैंक यू वेरी मच रणबीर जी, अगले बुधवार फिर बात करेंगे। एंड विश यू ऑल गुड लक सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।